हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा किडनी प्रॉब्लम उसके साथ डायलिसिस के बारे में। देखिए, जब किडनी खराब हो जाता है डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देता है डायलिसिस, और डायलिसिस मतलब आप जितने दिन तक जिंदा रहेंगे आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है सब लोगों का? क्योंकि डायलिसिस एक एक सीटिंग में 4 to 5000 रुपीज़ खर्चा होता है। अगर आप बड़ा हॉस्पिटल में जाएंगे तो 10,000 करीब से करीब लगता है। अगर हफ्ते में आपको 3 बार डायलिसिस करना पड़ेगा तो सोचिए 30,000। अगर हफ्ते में 30,000 तो महीने में कितना और साल में कितना? और आप जितने दिन जिएंगे उतना दिन तक आपको एक खर्चा एक्सपेंस करना पड़ेगा। सो एक आम आदमी के लिए डायलिसिस मतलब मौत के बराबर। आज मैं बात करना चाहता हूँ, अगर किसी को डायलिसिस के लिए प्रेस्क्राइब किया गया, वो विदाउट डायलिसिस कैसे पूरा जिंदगी को वो जी सकता है। तो इस वीडियो देखने के पहले आपको पहले समझना चाहिए ये जो प्रॉब्लम किडनी, ये किडनी है क्या, क्या काम करता है, और अगर प्रॉब्लम हो गया तो उससे कैसे हम लोग बच सकते हैं। बेसिकली किडनी जो फंक्शनल एक्टिविटी करता है वो क्या करता है, आपका शरीर का फिल्टराइजेशन, ब्लड को क्लीन करने का काम करता है किडनी। मतलब ब्लड का अंदर जितना कचरा होता है किडनी क्या करता है, उसका निकाल लेता है और उसको बाहर फेंक देता है एज ए यूरिन, और जो चीज़ ज़रूरत है शरीर के लिए, बॉडी के लिए, वो फिर वापस चला जाता है आपका जो ब्लड है, खून है उसके अंदर। तो ये काम करता है किडनी। किडनी ऐसा एक ऑर्गन है, ये अचानक खराब नहीं हो जाता है। अगर आप इसको कोशिश करोगे खराब करने के लिए तब ये खराब होता है। 10 साल 15 साल का अगर इसको आप डिस्टर्ब करोगे तब जाकर किडनी खराब होता है। किडनी जब खराब होता है तो पता कैसे चलता है, आपका पीछे के तरफ दर्द होना चालू होता है। ये जो पीछे वाला जो जगह है जहाँ किडनी रहता है तो वहाँ दर्द होना चालू होता है, हल्का हल्का कमर में वो दर्द चला जाता है। और आपका जो यूरिन होता है उस यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, कभी कभी उसमें खून भी आता है, उसके लिए आपको बुखार भी होता है, आपको खाना खाने का मन नहीं करता है, चक्कर आता है। ये जो छोटा छोटा सिम्टम्स है ये अगर लगातार एक हफ्ता अगर चल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए शायद एक किडनी रिलेटेड का प्रॉब्लम है। जब ये जो प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलता है, हम लोग क्या करता है, ब्लड टेस्ट करता है, और ब्लड टेस्ट में क्या पाया जाता है, आपका क्रिएटिन लेवल बढ़ गया, आपका पोटासियम लेवल बढ़ गया, आपका फॉस्फोरस लेवल बढ़ गया। आपका क्रिएटिन लेवल बढ़ गया, आपका पोटासियम लेवल बढ़ गया, मतलब क्या है, आपका किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है मतलब आपका जो खून है उसका जो पीएच वैल्यू है वो पीएच बैलेंस बढ़ जा रहा है, एसिडिक, मतलब आपका खून एसिडिक हो गया। और बॉडी में क्या होगा, जो फ्लूइड है वो फ्लूइड अगर बाहर निकल नहीं जाएगा, फ्लूइड बाहर जाने का काम कौन करता है, किडनी करता है। तो अगर किडनी खराब हो गया तो क्या होगा, वो किडनी आपका जो वेस्ट मटेरियल्स है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसके कारण क्या, वो बॉडी में जम जाएगा। अगर बॉडी में जम जाएगा तो क्या होगा, आपका बॉडी भी फूलने लगेगा, स्वेलिंग होना चालू हो जाएगा, मतलब आपका पैर फूल जाएगा, पेट फूल जाएगा, आपका बदन फूल जाएगा। तो उसमें आपको पता चल जाएगा जो एक किडनी खराब हो गई है तो इसीलिए वेस्ट मटेरियल्स बाहर नहीं जा रहा है। अगर ऐसे करके चलेगा तो आप जिंदा नहीं बच पाओगे। तो इसीलिए डॉक्टर क्या करता है, इमीडिएट आपको डायलिसिस करने के लिए बोल देता है। डायलिसिस मतलब क्या है, जो किडनी का काम था, किडनी खराब होने से जो काम वो नहीं कर पा रहा है वो डायलिसिस मशीन द्वारा उसको डॉक्टर करता है। सो बॉडी का जो किडनी है अगर वो 70 to 80% जब तक खराब नहीं हो जाता है तो आपको मैसेज नहीं मिलता है। अगर शरीर में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये बीमारी और भी बढ़ते जाएगा। अगर पता चल गया किडनी खराब हो गया, आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, फॉस्फोरस लेवल बढ़ गया, डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर दिया डायलिसिस करने के लिए, तो आप क्या करेंगे इस टाइम में? आप अगर इसके बारे में थोड़ा जानेंगे तो क्या होगा, इसको कैसे आप हैंडल कर सकते हो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। मैं वही बात आप लोगों के साथ करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए जो वीडियो आप देख रहे हो शायद आपका किडनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका तो किडनी है, तो इसीलिए आप पहले से अगर सतर्क हो जाएंगे तो क्या होगा, आने वाला दिन में किडनी का प्रॉब्लम आपका नहीं रहेगा। और आपका आसपास अगर किसी का किडनी प्रॉब्लम है तो ये सलाह आप उसको भी दे सकते हो, जिसके कारण वो किडनी डायलिसिस से छुटकारा उसको मिल सकता है और उसका ज़िंदगी अच्छा हो सकता है टिल डेथ। सो किडनी जब खराब होता है क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। ये क्रिएटिनिन है क्या,
क्रिएटिनिन है आपका वेस्ट मटेरियल्स, मतलब आपका शरीर का जितना सारा सेल है, ऑर्गन है, पेशी है, वो जो काम करता है उस काम का दौर जो वेस्ट मटेरियल्स बॉडी में रेडी होता है, प्रस्तुत होता है, वो क्या है, वो क्रिएटिनिन। वो कहाँ से? वो आपका किडनी से निकल जाता है बाहर थ्रू यूरिन। सो वेस्ट मटेरियल मतलब आप तो काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपका बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स एवरी डे, एवरी मिनट्स, एवरी सेकेंड्स वो तैयार हो रहा है, तो उसको बॉडी से निकल जाना चाहिए। ये जो वेस्ट मटेरियल्स है ये किडनी से बाहर चला जाता है। अगर वो किडनी से बाहर नहीं जा पाता है तो आपका ब्लड को वो खराब कर देता है। तो इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए? इस टाइम में आपको ऐसे कुछ चीज़ करना चाहिए जो क्या आपका क्रिएटिन लेवल को कम कर देगा, वो बढ़ेगा नहीं। आपका जो पोटेशियम लेवल हाई हो गया वो हाई नहीं होगा, लो हो जाएगा। आपका जो सोडियम, आपका जो फास्फोरस लेवल है वो भी नॉर्मल रहेगा। अगर ये नॉर्मल रहेगा डॉक्टर क्या बोलेगा, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। सो आप इसको कैसे कर सकते हो? ये जो किडनी खराब होता है इसका जो मेन जो रीज़न है, आपको इसके बारे में अगर पता रहेगा तो क्या होगा, आप इसको ठीक कर सकते हो। बेसिक जो फंक्शन है, अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो किडनी खराब होने का चांसेस 90% है। मतलब आपका हाई ब्लड प्रेशर को इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड क्या है, आपका ब्लड शुगर। अगर ब्लड शुगर किसी का कंटिन्यू ज़्यादा ऊपर में चल रहा है और वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इमीडिएट उसको अगर नहीं ठीक किया जाएगा तो वो क्या करेगा, वो भी आपका किडनी को खराब कर सकता है। और थर्ड क्या है, आपका किडनी स्टोन। अगर किडनी स्टोन किसी का हो रहा है तो उसके कारण भी आपका किडनी खराब हो सकता है। और जो मेडिसिन आप लेते हो, जैसे पेन किलर, जैसे बुखार के लिए जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं, अगर रेगुलर बेसिस में हम लोग अगर ऐसे कुछ मेडिसिन लेते हैं जो पेन के रिलेटेड, बुखार के रिलेटेड, अगर ये बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, वो किडनी को ख़राब कर देगा। किडनी का अंदर जो नेफ्रॉन रहता है, नेफ्रॉन मतलब छोटा पतला, ये जो फिंगर जैसा एक सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम ऐसा कुछ चीज़ रहता है जो फिल्टरेशन का काम करता है। मतलब ये जो छन्नी होता है, मतलब आपका खून क्या होता है, वो नेफ्रॉन के द्वारा जो कचरा है वो बाहर चला आ जाता है। तो नेफ्रॉन अगर ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, आपका ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल से वो बाहर नहीं आ पा रहा है। सो इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ चीज़ को ध्यान देना चाहिए। पहला क्या है, पहला आपका खून जो है वो उसको एसिडिक नहीं करना चाहिए। मतलब आप ऐसे कुछ खाना खाते हो जिसके कारण आपका ब्लड एसिडिक हो जाता है। वो कौन सा खाना है, काफ़ी सारा फूड ऐसी है, जैसे वेज नॉन वेज ऐसी काफ़ी सारा फूड है जिसके अंदर एसिडिक ज़्यादा होता है। मतलब वो शरीर में जाकर एसिडिक हो जाता है, एसिडिक मतलब आपका खून को एसिड कर देता है। जैसे मान लीजिए नॉन वेज प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन बॉडी के जाकर डाइजेस्ट होने के बाद अमाइनो एसिड क्रिएट करता है। अगर अमाइनो एसिड जो होता है उसके साथ सल्फर बॉन्डिंग रहता है, सल्फर बॉन्डिंग होने के कारण वो क्या करता है, वो यूरिया को रिलीज करता है। यूरिया एक खतरनाक ऐसे केमिकल है जो बॉडी का जो पीएच बैलेंस है वो बढ़ा देता है। उसको मैनेज करने के लिए बॉडी क्या करता है, अमोनिया को छोड़ता है। अमोनिया का क्या करता है, आपका जो यूरिया है उसको क्या पकड़ लेता है, उसको कंट्रोल करता है। मतलब जितना यूरिया बढ़ता है बॉडी क्या करता है, उतना अमोनिया को रिलीज करता है उसको बैलेंस करने के लिए। ये जो अमोनिया है ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर अमोनिया बढ़ते जाएगा तो आपका ब्लड धीरे धीरे एसिडिक और भी एसिडिक और भी एसिडिक हो जाएगा। ये एसिडिटी बढ़ने के कारण आपका जो नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन क्या सॉफ्ट सॉफ्ट पतला पतला जो नेफ्रॉन है वो खराब हो जाता है। मतलब अगर पीएच बैलेंस बढ़ जाता है तो आपका नेफ्रॉन खराब हो जाता है, उसी के कारण किडनी खराब हो जाता है। सो आप अगर एनिमल प्रोटीन को अगर ज़्यादा कम खाएंगे सो चांसेस आपका किडनी प्रॉब्लम होने का कम रहेगा। क्यों? क्योंकि एनिमल प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड मतलब सल्फर, सल्फर मतलब यूरिया, और यूरिया मतलब अमोनिया, अमोनिया मतलब आपका नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय, नेफ्रॉन डेथ। सो अगर आप जो फूड प्रैक्टिस, आपका जो फूड प्रैक्टिस है नॉन वेज टाइप का फूड आप ज़्यादा खाते हो, अगर वो आप कम कर देंगे तो क्या होगा, आपका ब्लड एसिडिक होना बंद हो जाएगा। सेकेंड क्या प्रॉब्लम होता है, पोटेशियम। ये पोटेशियम का क्या काम है, बेसिकली ये जो पोटेशियम है इसका क्या काम है, इसका काम है डिलीवरी बॉय। ये क्या करता है, आपका जितना सारा सेल है उस सेल के अंदर खाना को पहुंचाता है, और खाना जब हजम हो जाता है मतलब वो खर्च हो जाता है, उसके टाइम में जो भी कचरा सेल में पड़ा रहता है उसको सेल से निकलकर बाहर लेकर आता है पोटेशियम।
मतलब सेल को क्लीन रखना, सेल को मेंटेन रखना, ये पोटेशियम का काम है। जब बॉडी का किडनी सही रहता है तब क्या होता है, अगर पोटेशियम ज़्यादा ऐसा कुछ खाने में मिल गया तो क्या होता है, पोटेशियम किडनी से निकल जाता है। अगर किडनी ही नहीं काम कर रहा है तो क्या होता है, आपका पोटेशियम बॉडी में पड़ा रहता है। सो पोटेशियम क्या करेगा, आपका हार्ट का जो मसल है उसको और भी वीक कर देगा, तो इसके कारण आपका हार्ट अटैक का चांस रहता है। सो पोटेशियम को मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो आपको आपका जो हार्ट है उसको रुक लेगा, मतलब हार्ट अटैक का चांसेस रह जाता है। तो इसीलिए इस टाइम में ऐसे कुछ खाना खाना चाहिए जिसके कारण आपका शरीर में पोटेशियम नहीं बढ़ेगा। सो आपको एक फूड लिस्ट लेना पड़ेगा जिस फूड लिस्ट में पोटेशियम ज़्यादा है, ऐसे कुछ चीज़ आपको मिल रहा है, ऐसे कुछ खाना आपको मिल रहा है, उसको आपको बंद रखना पड़ेगा। उस टाइम में ऐसे खाना खाना पड़ेगा जिसके अंदर कम पोटेशियम है। सो पोटेशियम लेवल हम लोग इस तरीके से मैनेज कर सकता है। और इसके साथ साथ जो फास्फोरस है, ये जो फास्फोरस, इस फास्फोरस में क्या काम है, फास्फोरस का जो बेसिकली काम है, एक मिनरल से इसका काम है आपका टिश्यू सेल ग्रोथ करना, मतलब सेल को रिपेयर करना, टिश्यू को ग्रोथ करना, मतलब बॉडी सेल से ही बना होता है। तो अगर फास्फोरस नहीं रहेगा तो टिश्यू ग्रोथ नहीं होगा, सेल ग्रोथ नहीं होगा। तो ये जो फास्फोरस है, अगर ये फास्फोरस अगर ज़्यादा बॉडी में मिल जाता है तो क्या होता है, वो किडनी से निकल जाता है। किडनी क्या काम क्या है, किडनी बैलेंस करता है, मतलब आपका बॉडी का पीएच बैलेंस करता है किडनी। और किडनी खराब है, अगर किडनी खराब है तो फास्फोरस को मैनेज नहीं कर पाएगा। अगर फास्फोरस को मैनेज नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वो बॉडी के अंदर रह जाएगा। अगर फास्फोरस बॉडी के अंदर रह जाता है तो वो क्या नुकसान करता है, फास्फोरस क्या करता है, आपका जितना सारा हड्डी है, स्केलेटन है, वहाँ से वो कैल्शियम को निकाल लेता है और निकाल कर वो ब्लड में जमा कर लेता है। अगर फास्फोरस आपका कैल्शियम को निकाल लेने के बाद ब्लड में जमा करेगा तो क्या होता है, आपका ब्लड और भी गाढ़ा हो जाता है और आपका ब्लड वेसल में काफ़ी सारा जगह में ब्लॉकेज आ जाता है। तो इसके कारण आपका क्या होता है, फिर से नेफ्रॉन का प्रॉब्लम, फिर किडनी का प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि बॉडी अगर ज़्यादा एसिडिक हो जा रहा है, बॉडी के ब्लड के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम है तो वो क्या होगा, वो किडनी में आएगा। अगर किडनी में आएगा, किडनी अगर काम नहीं कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, जिस पोर्शन किडनी का काम कर रहा था उसको भी धीरे धीरे खराब कर लेगा। तो इसी के कारण इस टाइम में आपको फास्फोरस कम खाना पड़ेगा। फास्फोरस कौन सा खाना में रहता है, ब्रिस्किट में, ब्रेड में, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव है उसके अंदर फास्फोरस ज़्यादा मिलता है। सो आपको इस टाइम में अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो इस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फास्फोरस रिलेटेड, मतलब पैकेज रिलेटेड फूड, मतलब जितने सारा कोल्ड ड्रिंक्स है, जितने सारा सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये जो बाहर का जो पैकेजिंग मटेरियल्स फूड आता है जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव रहता है, उस खाने को आपको कम करना पड़ेगा। सो किडनी खराब है, अगर आप फास्फोरस टाइप का खाना ज़्यादा आप खाते जाएंगे तो क्या होगा, आपका किडनी और भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए अगर किसी का किडनी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने डायलिसिस बोल दिया, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम रिलेटेड खाना को कम करना पड़ेगा, फास्फोरस रिलेटेड खाना को कम करना पड़ेगा, और क्रिएटिनिन जो हाई हो जा रहा था उसको मैनेज करना पड़ेगा। कैसे, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, आपका क्रिएटिन लेवल बढ़ेगा। सो अगर आपका किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको कम एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा, आपका बॉडी का जो एक्टिविटी है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो क्रिएटिन बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा जो चीज़ है, आपको आपका जो खाना है उस खाने को आपको छोटा छोटा मील में ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब जो ब्रेकफास्ट आप खा रहे थे उसको दो डिवाइड में करना पड़ेगा, मतलब एक ही ब्रेकफास्ट को आपको दो बार खाना पड़ेगा। सो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो मील है उसका छोटा कर देना पड़ेगा, मतलब जो ब्रेकफास्ट आप एक साथ खा रहे थे उसको दोनों हिस्से में बांटना पड़ेगा। मतलब एक ही ब्रेकफास्ट आप एक बार 8 बजे खाया, एक ही ब्रेकफास्ट आप एक बार 10 बजे खाया, एक ही लंच आप एक बार 11 बजे खाया, एक ही लंच आप एक बार 2 बजे खाया, एक ही डिनर आप एक बार 6 बजे खाया, एक ही डिनर आप एक बार 8 बजे खाया। मतलब आपका जो खाना है उसको छोटा हिस्सा में उसको बांट देना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो आपका जो बॉडी का जो काम था वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, एक बार खाना हजम हो जाएगा, फिर उसको आराम से आप खाना दीजिए, तो क्या होगा, आपका बॉडी के ऊपर, ऑर्गन के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। और आपका जो पानी रहेगा, मतलब जो पानी आप इंटेक कर रहे थे उस पानी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि किडनी आपका काम नहीं कर पा रहा है। तो इसी के कारण अगर ज़्यादा फ्लूइड आपका बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा।
अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा तो और भी मुश्किल है। तो इसीलिए आपको पानी पीना पड़ेगा सिप 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 करके, मतलब काप में पानी लेने के बाद आपको सिप सिप करके पीना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से खाना को खाते जाएंगे और मेंटेन करते जाएंगे तो क्या होगा, आपका बॉडी में जो क्रिएटिन लेवल बढ़ रहा था, पोटेशियम लेवल बढ़ रहा था, उसका जो बढ़ने का चांसेस है वो कम होते जाएगा। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा सोडियम, क्योंकि सोडियम क्या करता है, आपका बॉडी में पानी को खींच लेता है। आप अगर ज़्यादा सोडियम अगर खाएंगे, सोडियम का काम क्या है, सोडियम पानी को इकट्ठा कर लेता है बॉडी में। तो इस टाइम में आपका किडनी काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आपको सॉल्ट, जो सोडियम आप खाते हो, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 500 mg, इससे ज़्यादा आप सोडियम नहीं खा पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा आप सोडियम खाएंगे तो क्या होगा, आपका बॉडी में और भी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। वो जो किडनी पोर्शन जो अभी तक सही है उसको मदद करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं आना चाहिए। सोडियम, वाटर और पोटेशियम रिलेटेड जो खाना है, फॉस्फोरस रिलेटेड जो खाना है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसको ना के बराबर लेना पड़ेगा। एनिमल प्रोटीन आपको छोड़ना पड़ेगा, एनिमल प्रोटीन के जगह आपको लेना पड़ेगा वेज प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन में जो एसिडिटी है, वेज प्रोटीन उससे बहुत ज़्यादा कम एसिडिक है। तो इसी के कारण अगर आपका किडनी प्रॉब्लम हो गया, आज का दिन में जो मेडिकल साइंस है, जो डॉक्टर लोग है, वो क्या करता है, वो इस टाइम में प्रोटीन बढ़ा देता है और एनिमल प्रोटीन को बढ़ा देता है। एनिमल प्रोटीन बढ़ गया मतलब क्या है, मतलब आपको डायलिसिस तो करना ही पड़ेगा। सो इस टाइम में आपको एनिमल प्रोटीन ना लेकर भेज जितना सारा प्रोटीन है उसको आप इंटेक कीजिए, तो उसमें क्या होगा, आपका क्रिएटिन लेवल कम बढ़ेगा, क्योंकि वो एसिडिक कम करेगा। किडनी को सही रखने के लिए आपको और एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है, वो आपका किडनी स्टोन। किडनी स्टोन कैसे बनता है, जो ऑक्सेलिक एसिड, मतलब ऐसे कुछ खाना हम लोग खाते हैं जिसके अंदर कैल्शियम रहता है, ऑक्सेलिक एसिड रहता है, अगर उस टाइप का खाना अगर बॉडी में जाएगा ज़्यादा, तो क्या होता है, बॉडी के अंदर किडनी में जाकर वो कैल्शियम क्या होता है, स्टोन बन जाता है। अगर उस टाइप का खाना, जैसे मिल्क, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप मिल्क खाते हो, तो क्या होगा, आपका बॉडी में किडनी स्टोन होने का चांसेस है। सो आप इस टाइप का खाना को आपको कम करना पड़ेगा। एक लिस्ट मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम में दे रहा हूँ, जो खाना आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कितना खाना खाना पड़ेगा, किस हिसाब से खाना पड़ेगा, उससे आपको पता चल जाएगा। और उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, खाने को चूज करना पड़ेगा। सो एक लिस्ट आपको मिलेगा, उसमें जो खाना सजेस्ट किया जा रहा है वही खाने को आप आपका दिनचर्या में रखिए, तो क्या होगा, आपका जो पोटेशियम लेवल था वो बढ़ेगा नहीं, जो क्रिएटिन लेवल बढ़ रहा था वो भी बढ़ेगा नहीं, और जो फास्फोरस लेवल बढ़ रहा था वो भी धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अगर उसी हिसाब से अगर मेंटेन करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका क्रिएटिन लेवल, पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा, और जो पोर्शन किडनी काम करना बंद कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, वो भी धीरे धीरे कोशिश करेगा फिर से काम चालू करने का। क्योंकि देखिए, आपका जो शरीर है, उस शरीर में फूड इज अ मेडिसिन, मेडिसिन इज अ फूड, क्योंकि खाना ही आपको जिंदा रख सकता है। मेडिसिन आपको कुछ टाइम के लिए मदद कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए। लेकिन आपको अगर और भी 10 साल और भी 20 साल अगर आपको जिंदा रहना पड़ेगा, तो जो ऑर्गन आपके पास है उसी से ही आपको काम चलाना पड़ेगा, उसी से आपको काम लेना पड़ेगा। तो इसके कारण आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करके मेंटेन करते जाएंगे, सो आपका अगर किडनी प्रॉब्लम 70% भी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर भी आप आपका फूड मैनेजमेंट करके, आप आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करके, आप आखिरी दिन तक एकदम हेल्दी जिंदा आप रह सकते हो और हेल्दी रह सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो बात आप लोगों के साथ आज शेयर किया, आप इसको थोड़ा महसूस कीजिए, और इसी हिसाब से अगर आप मेंटेन करते जाएंगे, आप देखेंगे एक दो हफ्ते के अंदर आपका जो क्रिएटिनिन लेवल, आपका जो पोटेशियम लेवल, वो कम होते चला जाएगा, और आपको डायलिसिस करने का भी चिंता करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज मैं वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपका किडनी का रिलेटेड प्रॉब्लम है, सो आप अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए, तो आप वीडियो के माध्यम जो फ़ोन नंबर है उसमें आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। अगर आपका किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसी तरीके से अगर आप लाइफस्टाइल को मेंटेन करते रहेंगे, तो आपका किडनी का बीमारी ज़िंदगी भर नहीं होगा। यहाँ मैं विदा ले रहा हूँ। थैंक यू। विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।